प्रेस क्लब से आप तस्वीरें देख रहे हैं। यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और एक बार फिर सरकार पर जो है वो निशाना साधा है। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहाँ पर इन्हें रोकने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है ताकि ये प्रदर्शन जो है यहीं पर रुका जाए। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी हाय 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 हाय। नमस्कार, आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है जो बीजेपी का सफेद झूठ और भ्रष्टाचार है उसको फिर से एक बार सामने लाने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे सत्यपाल मलिक जी की, जो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका जो स्टेटमेंट था कि 300 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की है रिलायंस कंपनी ने, और एक आरएसएस बीजेपी का नेता जो मंत्री भी रह चुका है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 150 करोड़ देने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर रिश्वत लेने वाला अपराधी है तो देने वाला भी अपराधी ही होता है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह जी आएंगे और उस अपराधी को, उस भ्रष्टाचारी नेता को पार्टी से बाहर निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे साफ होता है कि बीजेपी चाहे दिल्ली में हो, उनकी नेशनल लीडरशिप हो या जम्मू कश्मीर के लोग हो, ये बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार को मजबूत कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देना चाहता हूं, 2019 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2019 तक पूरे 70 साल में 6600 करोड़ लगभग काला धन स्विस बैंक में इकट्ठा हुआ था, 6600 करोड़। और आज के दिन में 20,700 करोड़ काला धन स्विस बैंक में है भारत का, तो 14,000 से ज्यादा जो पैसा है वो स्विस बैंक में गया है, काला धन स्विस बैंक में गया है। ये किसकी सरकार थी? ये बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने जाने दिया, इनके उद्योगपति मित्रों ने ये काला धन कमाया है और इसको स्विस बैंक में भेजा है। इसे सबूत मिलता है कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। सत्यपाल मलिक कहते थे कि मोदी जी लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आपको धक्के मार के जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों निकाला? आपको धक्का मार के क्यों निकाला? आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि मैं बड़ी मुश्किल से बचकर जम्मू कश्मीर से निकला हूं, नहीं तो मेरे ऊपर भी ईडी की इंक्वायरी हो जाती। इससे पता चलता है ऊपर से लेके नीचे तक बीजेपी भ्रष्टाचार से लिप्त है। और साथ ही साथ अमित शाह जी का दौरा हुआ, हम सब उम्मीद कर रहे थे वो गृह मंत्री बनकर आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा कहेंगे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है बीजेपी के भारत के गृह मंत्री बनकर नहीं, बीजेपी के नेता बनकर अमित शाह आए और उन्होंने कोई भी अच्छी बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं की। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि स्टेट का दर्जा उनको वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, फिर से एक लॉलीपॉप मिल गया। इससे एक और सफेद झूठ बीजेपी का बाहर आता है, और ये जब तक हमें ये हमारा हक नहीं मिलता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, और भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं निकाला हम ये लड़ता रहेंगे। सत्यपाल मलिक जी ने बोला आरएसएस का नेता थे और वो मंत्री भी रह चुके थे बीजेपी पीडीपी सरकार में, लेकिन उनका नाम लेने की हिम्मत उनमें भी नहीं हुई, और अब उन्होंने माफी भी मांग ली है कि मुझे वो नाम नहीं लेना चाहिए था। तो कितना ब्लैकमेल या कितना उनको भी डराया जा रहा है। अगर एक गवर्नर लेवल का आदमी भारत में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी से क्या अपेक्षा की जाती है? और यही कारण है कि आम इंसान, एक किसान जब प्रोटेस्ट करता है उसके ऊपर गाड़ियां चल जाती हैं। यही कारण है जब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि ये जो सरकार है गुंडों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है।